हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JCC की ओर से नया इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है और यह जो है रिवाइज्ड कैलेंडर जो है एग्जाम नेक्स्ट वाला होगा 2022 के लिए, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो परीक्षा का नाम है, किस प्रकार से परीक्षा लिया जाएगा और ये कब होगा और साथ साथ में इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं झारखंड वैज्ञानिक सहायक पत्रकार परीक्षा 2021 वाला, जिसको CBT में एग्ज़ाम ले लिया गया है और इसका जो है आंसर की भी जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो उसका जो है रिजल्ट अब आने वाला है मार्च का 3rd सप्ताह में और ये विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स थे उनका एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी जारी होने के बाद में अब उनका रिजल्ट का इंतजार है। इसके अलावा में अगला जो एग्ज़ाम है यानी कि CGL वाला, सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 वाला, जिसमें से सचिवालय का एग्जाम जो होना है उसको OMR में लिया जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वह है मई माह के अंतिम सप्ताह में, लास्ट मई में ये लेने का संभावना है और इसको जून का अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट को जारी करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है और ये विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सचिवालय का फॉर्म भर चुके हैं वे मई माह का अंतिम सप्ताह तक में अपना एग्ज़ाम जो होगा उस हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। तीसरे नंबर पर है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी JEE वाला जो है वो CBT मोड में होगा और इसका जो है अप्रैल महीना के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम लेने का संभावना जताया जा रहा है और इसका जो रिजल्ट होगा वह जुलाई महीना में होगा, ऐसा यहाँ पे आयोग की ओर से कहा गया। और विज्ञापन संख्या भी आप यहाँ देख सकते हैं 6/2021 करके है। और उसके बाद है उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कॉन्स्टेबल एग्जाम जो है 2022 वाला, उसको OMR में लिया जाएगा और उसमें पहले शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद में फिर रिटर्न होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो फिजिकल है वह अप्रैल महीना के 3rd सप्ताह में लिया जाएगा यानी कि अप्रैल का 3rd वीक में, और लिखित एग्जाम जो होगा वह जुलाई महीना में लिया जाएगा। तो ये जो 2 महीना है उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में इसका जो फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा वह अगस्त महीना में निकाला जाएगा। विज्ञापन संख्या भी इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में IT इंस्ट्रक्टर जो IT वाले हैं एग्ज़ाम 2022 का, उसका CBT में एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसको जून महीना का प्रथम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम लेने की संभावना जताई जा रही है और जुलाई महीना के 2nd वीक में इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा इस प्रकार से। और अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में ये इसका जो है विज्ञापन आने वाला है। तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि जो भी कैंडिडेट है जो ITI वाले चीज़ में जाना चाहते हैं वे लोग अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन को देख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर के जो कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्थात पदतर, मतलब कि जो एग्ज़ाम होगा 2022 वाला वो आपको OMR में एग्जाम लिया जाएगा और जून महीना का 2nd सप्ताह में इसको लिया जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे सितंबर महीना के 3rd सप्ताह में इसका रिजल्ट निकाला जाएगा और इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो अप्रैल महीना में आएगा प्रथम सप्ताह में, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 वाला, इसका जो OMR में एग्जाम लिया जाएगा जून महीना का 3rd सप्ताह में इसका एग्जाम लिया जाएगा और फिर इसका रिजल्ट जारी होगा अगस्त महीना में और अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में, यानी कि आप देखेंगे तो अप्रैल महीना में बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। आप लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और साथ साथ में तैयारी करते रहें क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक एग्ज़ाम लिया जाएगा JCC की ओर से, ऐसा तो यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है सरकार की ओर से। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 इसका OMR में लिया जाएगा और जून माह का अंतिम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम लिया जाने की संभावना है और अगस्त महीना में इसका रिजल्ट आएगा ऐसे कहा जा रहा है और यहाँ पे अप्रैल महीना का अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल महीना में ये सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। उसके बाद है यहाँ पे तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 वाला जो इसका CBT में एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर में और जुलाई माह का 2nd सप्ताह में इसका एग्ज़ाम होगा, सितंबर महीना में ये रिजल्ट जारी हो जाएगा और ये मई माह में आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो अप्रैल और मई के बीच में आपके सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि झारखंड JCC के फॉर्म भरना चाहते हैं वे लोग अब अप्रैल महीना का वेट करेंगे और वहाँ पे बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो यही एक नया रिवाइज्ड कैलेंडर आ गया है 2022 का एग्ज़ाम के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और जो भी है नोटिफिकेशंस वो मैं आप लोगों को जरूर जरूर बताता रहूँगा। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे।